हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा छोटा सा गार्डन है जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ थोड़ा थोड़ा करके लगाया है। मैं चाहूँगी कि आपके साथ भी शेयर करने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। ये है सीम का पेड़, जैसे आप देख पा रहे हो सीम हुआ भी है और बड़ा छोटा बहुत हुआ है और फूल भी है। ये भी कुछ दिन बाद हो जाएगा अच्छे से। इसके बाद आते हैं हम पत्ता गोभी और फूल गोभी के पास। ये देखिए, ये बहुत ये एक छोटा सा हुआ है, ये बहुत बड़ा भी होगा। यहाँ पे भी एक है, सब देख पा रहे हो, यहाँ पे भी एक आ रहा है अभी तक। और इधर आ जाइए, ये भी देखिए, ये भी एक छोटा सा हुआ है। ये सारा कुछ दिन में बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर आते हैं, हाँ ये भी एक डाल है अरहर का, यहाँ पे हम लोग अरहर का डाल बोलते हैं। ये पेड़ बड़ा भी होता है, ये देखिए, और बहुत सारा लगा है। ये थोड़ा सा बड़ा वाला डाल होता है, ये देखिए, ये डाल का साइज भी बड़ा है। ये हम तोड़ के दिखा रहे हैं, ये देखिए, इसका इसका डाल बड़ा होता है और एक होता है छोटा छोटा, देखिए। ये हम कच्चा सब्जी बना के भी खा सकते हैं और सूखने के बाद हम इसको दाल बना के भी खा सकते हैं, ये कच्चा भी खा सकते हैं। हाँ, बोलते हैं कि जॉन्डिस में ये मेडिसिन की तरह काम करता है। हाँ, इसका पत्ता जॉन्डिस में मेडिसिन पीस के खाने से जॉन्डिस सही हो जाता है। ये इसका फूल है, ये इसका फूल है, ये छोटा सा है, ये बहुत फलता है। हाँ, अब आते पत्ता गोभी की तरफ। नहीं, पत्ता गोभी से पहले भी एक है, ये इसको हम तो ओल गोभी बोलते हैं। ये देखने में इस तरह का होता है, ये देखिए, ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं, ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, लाइक आलू के शेप में, बड़ा आलू के शेप में। ये भी बहुत सारा लगाया है हमने। ये है, ये है। फिर आते पत्ता गोभी के पास, ये देखिए, ये पत्ता गोभी एक अच्छे से हुआ है और भी ये बड़ा होगा। ये है पत्ता गोभी, आप देख लीजिए, ये भी हुआ है। ये सारा अभी बहुत बड़ा होने वाला है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। फिर आते हैं मिर्चा का पेड़, देखिए, हाँ ये मिर्ची हुई है, मैंने लगाया है यहाँ पे, आप देख लीजिए, मिर्चा का पेड़, बहुत सारा मिर्चा लगा है। ये देखिए, ये मिर्चा भी कितना मोटे मोटे है और तीखा भी है, बहुत तीखा भी है बहुत। और ये भी छोटा एक मिर्चा का है, ये हमने बोरी के ऊपर लगा दिए क्योंकि इसमें हमारा जगह का बचत हो जाएगा। हाँ, तो आप चाहे तो आप घर में भी, हाँ हम घर में भी जगह नहीं है, हाँ। आपको इसलिए आप बोरी में भी लगा सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जमीन पे भी लगाना होगा, हाँ। तो आप बोरी पे भी लगा सकते हैं, बोरी के ऊपर लगा दिए। ये साइड साइड में हमने सरसों का साग भी लगाया है। हाँ, ये सरसों का साग, ये सरसों का साग भी लगा दिया, ये देखिए, ये सरसों का साग है, ये है। और ये है, ये लाल साग है, लाल साग बोलते हैं इसको, तो ये रेड दिखने में है इसीलिए। हाँ, और ये भी बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है। और ये है गाजर का, हाँ। ये अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, थोड़ी दिन बाद इसको अगर उठाएंगे तो गाजर निकल कर जाए। हाँ, जैसे हमने बोला कि सभी कुछ हम ट्राई किए कि थोड़ा थोड़ा करके लगाने के लिए। तो चलिए दूसरी तरफ जाते हैं। मटर सूटी आप देख लीजिए, मटर है। हाँ, फिर बीन्स, बीन्स देख लीजिए एक बार, ये हमने बीन्स लगाया है। हाँ, ये देखिए, बीन्स भी बहुत सारा हुआ है, बहुत सारा हुआ है, हमने तो आज सुबह कुछ उठा भी लिया है तो इसीलिए इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया, लेकिन बहुत सारा हुआ है। इतने छोटे से एरिया में
एक हो जाता है। ये देखिए ये पूरा बीन्स का है, ये सुबह ही देखिए सुबह इतना सारा तोड़ लिया है। हाँ ये देखिए बीन्स हम ऐसे उठाते हैं, ये है बीन्स हमने उठा लिया इतना सारा। हाँ अब ये मटर भी थोड़ा सा, ये मटर भी हमने लगाया। हमारा छोटा सा एरिया है मगर इसमें हमने हर चीज ट्राई किया। क्या है इसमें बच्चे लोग भी हर पेड़ का जान पहचान होगा। ये है ये देखिए ये हम बीन्स मटर उठाते हैं, ये पूरा मटर का ही है, ये पूरा मटर का पेड़ है, दिया है ताकि वो नीचे जमीन खड़ा हाँ, खड़ा हो सके। हाँ ये देखिए बहुत सारे हैं, ये देखिए बहुत सारा फल है। ये हम जब टाइम मिलता है एक उठाते और ऐसे खाते हैं। अब आते हैं मूली की तरफ, मूली दूसरे में है। ये देखिए ये सारा मूली का पेड़ है, ये सारा मूली का पेड़ है, अच्छा हुआ भी है। ये देखिए एक बहुत बड़ा हुआ है। हाँ ये देखिए ये बहुत, ये हम उठाते हैं, इसके पास में भी दो तीन हुआ है लेकिन ये सबसे बड़ा हुआ है। हाँ ये है सबसे बड़ा हुआ, उठ तो ये हम उठाते हैं ऐसे। ये देखिए कितना बड़ा हुआ है, ये देखिए कितना बहुत बड़ा मूली हुआ है, बहुत मोटा भी है। तो मतलब जितना भी लगाया है तो सही से अच्छे से हुआ है, कुछ मतलब छोटे से गार्डन है लेकिन खराब कुछ नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर टमाटर देखिए, हाँ टमाटर भी लगाए हैं हमने। टमाटर का पेड़ एक्चुअली थोड़ा सेपरेट करके बहुत सारा लगाया है, ये देखिए कितना बड़ा हुआ है और एक तो पकना भी स्टार्ट हुआ है, एक पकने भी स्टार्ट हुआ है, इसको हम उठाते हैं। हाँ और ये देखिए बहुत सारा हुआ है, नीचे बहुत सारा है। एक्चुअली एक पेड़ लगाएंगे तो आपके घर का तो हो जाएगा, घर के लिए तो आराम से हो जाएगा। फिर इधर आ जाइए, हमने थोड़ा साइड में फूल का भी लगाया है और ये सारा साग है। ये देखिए साग है, ये नॉर्म साग है, इसको पुनका साग बोलते हैं, ये साग बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए ये सारा लोकल लैंग्वेज में तो पुनका बोलते हैं। ये भी एक साग है, ये बहुत टेस्टी होता है साग। और ये है पालंग स्पिनच, हमने बहुत सारा उठा भी लिया है तो इसीलिए आपको थोड़ा उतना घना नहीं लग रहा है लेकिन हमने बहुत उठा लिया भी है। और ये तो आपको पता ही है धनिया है, ये धनिया देखिए धनिया भी बहुत अच्छे से हुआ है। इसे हम पत्ता काट लेते हैं, पत्ता ऐसे तोड़ लेते हैं ऐसे, फिर सब्जी बना देते हैं, इसका जड़ है रह जाते हैं, फिर दूसरी बार इसमें काम आ जाते हैं हम लोगों का। ये देखिए बस पत्ता तोड़ लेते हैं, पत्ता तोड़ लेते हैं, ये जड़ से फिर आ जाएगा पत्ता। ये देखिए हम तोड़ लिए, जितना जरूरत है उतना हम तोड़ते हैं। फिर इधर हमने जैसे बोला कि मटर टमाटर हमने बहुत सारा लगाया है, ये पूरा टमाटर का है, ये देखिए बहुत सारा हुआ है। ये देखिए टमाटो बहुत सारा लगा है, ये हमने इसको डांडी के ऊपर खड़ा कर दिया जैसे टमाटो खराब ना हो। ये सारा टमाटर है, ये देखिए कितना कितना हुआ है। और ये है बैगन का पेड़, बैगन भी हमें लगा है, बैगन हुआ भी है, ये बड़ा और बड़ा होगा। ये देखिए एक ये
और बहुत सारा हमने यूज़ भी किया है ऑलरेडी। ये भी एक लगा हुआ है तो बहुत सारा हुआ है। ये साइड में टमाटर है। ये रहा मेरा छोटा सा गार्डन, छोटा है लेकिन बहुत सारा भी हुआ है। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा ये गार्डन। इधर से एक बार दिखा लेती हूँ। तो आप चाहे तो आप बोरी में भी ये सब लगा सकते हो। मैंने तो अपना गार्डन देखा लिया। अगर आपके पास भी है इस तरह का छोटा सा गार्डन तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और मुझे बताएं कैसा लगा है मेरा गार्डन आपको। थैंक यू वेरी मच।